हाँ जी, तो आज मैं चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ। ये चिकन ब्रेस्ट लिया है मैंने और इसके पीसेस कर लिए हैं और 3 अंडे लिए हैं। अब मैं ये सब पानी में डाल दूँगी एक साथ पतीले में, काली मिर्च, नमक और लहसुन अदरक डाल के। हाँ, तो ये मैंने काली मिर्च, नमक, लहसुन अदरक सब डाल के चढ़ा दिया है और फिर अब 20-25 मिनट तक, जब तक चिकन गलती है, इसको हमने पकाना है। हाँ जी, तो फिर ये चिकन हो गई है, चिकन और अंडे, अब इनको इसको निकाल लेंगे और इनके पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे। हाँ, अब हम इसमें थोड़ा चाइनीज़ सॉल्ट डालेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे अब इसमें, या तो चिकन पाउडर डाल लें या फिर चिकन क्यूब। और फिर 2 अंडे फेटे मैंने, मैं वो डाल रही हूँ। हाँ, तो मैंने ये चिकन और ये अंडे श्रेड कर लिए हैं। अंडे और चिकन मैं एक साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, कुछ लोग अलग अलग भी करते हैं लेकिन सेम ही बात है। और ये कॉर्नफ्लावर पानी में थोड़ा मिक्स कर लिया है, देख लीजिएगा कोठली ना बने। अच्छा, अब मैं चिकन और अंडे इसमें डाल दूँगी। वैसे तो पहले कॉर्नफ्लावर डालते हैं उसके बाद चिकन और अंडे डालते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर क्योंकि मैं नहीं ले रही हूँ, केटो फूड में नहीं आता है कॉर्नफ्लावर, इसलिए पहले मैं चिकन और अंडे डाल दूँगी और फिर अपने लिए अलग से निकाल दूँगी। अब मैंने इसमें चिकन और वो अंडे डाल दिए, अब बस इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी। अब आपको देखते रहना है, जैसे ही लगे आपको गाढ़ा हो जाए मतलब रेडी। नमक और काली मिर्च चख लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड करते रहिएगा, जो चीज़ कम लगे ज़्यादा लगे। चलें, अब जैसे आप लोग देख रहे हैं सूप रेडी हो गया है, अब बस इसमें थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के। हाँ, अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मेरी सास है इनकी दाल बन रही है इनकी दाल सास की दाल बना दी खट्टी दाल। चलो भाई, सूप रेडी हो गया। अब मेरे शोहर बीमार है बहुत ज्यादा, हर बार 2 दिन के बाद, हर 2 दिन में नजला, हर 2 दिन में उन्हें नजला हो जाता है। वो कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं इसलिए, तो अब उनके लिए भी सूप बनता है हर 2 दिन में। तो ये देख लें, ये है फाइनल लुक इसका। अब जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से ऊपर से ऐड कर सकते हैं। चलें ठीक है, फिर एक और रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।